देखिए ऐसी बात नहीं है, मैं जो भोपाल से आई हूँ कल, तो मुझे आज सुबह पता चला ऐसा ऐसे है, तो मैंने कहा था कि मैं वापसी कार्यक्रम से जाती हूँ तो मैं उनसे पूछने जाऊँगी। हमारे यहीं ग्वालियर के रह रहे हैं, मैं तो आपको अपना परिवार जैसा ही समझते हूँ, ऐसी है। पर कोई भी तकलीफ़ और कोई भी होती है उसके लिए मैंने कहा कि ये धरना प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है, आप हमको बोलते हैं हम आपकी भावनाओं को मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएँगे, संबंधित विभाग जहाँ से निर्णय हो सकता है वहाँ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत से फिर रास्ते निकलते हैं। तो वो मैंने इनको कहा है कि भाई ऐसे नहीं करो, क्योंकि हमारे एक दो की तबीयत भी मैं देख रही थी कि ख़राब हुई है, तो अभी ज्ञापन मुझे दिया है, मैं इसे पढ़ूंगी, पढ़ने के बाद ज़रूर मैं संबंधित अवगत करा दिया गया था, उसके बाद ये किया गया। किसको अवगत कराया? सीएम साहब को भी कराया था या नहीं? सीएम साहब की आप कह रहे हैं, मैं सीएम साहब को याद दिलाऊंगा इसके लिए जाता हूँ। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है, सीएम साहब इतने ज़्यादा संवेदनशील व्यक्ति हैं कि वो किसी की भी पीड़ा होगी उस पीड़ा को हल करने का प्रयास करते हैं और हल करते भी हैं। उन लोग ऐसा नहीं है, कोई नियम कोई ऐसा आड़े आ जाए वो एक अलग बात है, जिसके लिए बनाना हो या जिसके लिए समय लगे परिवर्तन करना है या नियम बनाना है वो एक अलग बात है, लेकिन वो कभी किसी की मदद के लिए, मैंने देखा है उनको कि वो किसी मदद के लिए कभी ऐसे नहीं करते हैं, आगे आते हैं हमेशा के लिए।